एक गृहस्थ व्यक्ति थे गुरुजी, ब्राह्मण थे, अध्यापक थे, और लोग कहते थे कि ये इनके जीवन में पता नहीं कभी बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वे किसी कथा वार्ता में जावें या किसी धार्मिक आयोजन में जावें ऐसी उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। अध्यापक थे तो पूरी ईमानदारी से पढ़ाते थे और जीवन पवित्र था उनका, सत्य और सदाचार उनके जीवन में था, लेकिन ज़्यादा किसी बढ़ चढ़ के किसी उत्सव आदि में भाग लें वैसा नहीं, कथा प्रवचन हो रहा उसमें भी नहीं जाते थे। हमारे महाराज जी की कभी उस क्षेत्र में कथा होती थी भक्तमाली जी की, उनको सूचना होती तो उसको सुनने आ जाते थे, शांत होकर के सुनते थे। शायद जीवन में दो चार कथा सुनी होगी उन्होंने। एक जैसे गृहस्थ पूरा एकदम रचा पचा ऐसे ही थे, खेती परिवार सबको ध्यान रखना, लेकिन वे सावधान थे। तो जिस दिन वे सेवा से निवृत्त हुए, सरकारी सेवा से प्रधानाध्यापक के पद से निवृत्त हुए, तो लोग गाजे बाजे से उनके घर उनको पहुंचाने गए। ऐसा होता ना, उसको बाजा बजा बजा के ले जाते हैं, बहुत उपहार भी आता है। अभी सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर्ड हो गए, घर में सबका भोज था, जो भी अतिथि थे सबको भोजन आदि की व्यवस्था भी थी, सारा उत्सव समाप्त हो गया। सारा उत्सव समाप्त होने के बाद रात्रि को लगभग 10 बजे उन्होंने बुलाया, अपने एक ही पुत्र था उनका, अपने पुत्र को बुलाया, वो भी अध्यापक था, तो पुत्र को बुला करके कहा कि अब कोई अतिथि बकाया तो नहीं है आने? बोले नहीं, सब आ गए, चले गए, अब तो रात हो गई, 10 बज गया, कोई बाकी तो नहीं है, सब काम हो गया, आज का काम हो गया पूरा? बोले हाँ हो गया। बोले देखो, हम जब तक गृहस्थ थे तब तक हमने खूब सावधानी से अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया, और भगवान ने हमें ब्राह्मण कुल में जन्म दिया तो हमने संध्योपासन भी किया, गायत्री जप भी किया, अध्यापक थे तो हमने ईमानदारी से पढ़ाया, जीवन हमारा पवित्र बीता, लेकिन अब हम जैसे प्रपंच में पड़ा हुआ अब तक हमने जीवन बिताया, अब ऐसा जीवन हम नहीं बिताएंगे। अब रिटायर्ड हुए हैं तो अब जो काम आत्म कल्याण के लिए, स्वयं के लिए हमें करना चाहिए वो हम करेंगे। फिर तुम यह मत कहना कि तुम हमारे घर के किसी काम में सहयोग नहीं करते हो, हम तुम्हारा कोई काम न सुनेंगे न देखेंगे, किसी भी प्रकार के व्यवहार की कोई चर्चा हमसे कभी मत करना, न खेती की, न व्यापार की, न कुछ नहीं, एक दुकान भी थी उनकी। और एक घंटे का अवसर है, सोच विचार लो तुम, हमारी जो पेंशन मिलेगी, हस्ताक्षर तो हमको करना पड़ेगा, पेंशन पूरी तुम ले लेना, हमको एक एक फूटी कोड़ी नहीं चाहिए उसमें से, 24 घंटे में एक बार भोजन करूंगा, शाम को गाय का दूध लूंगा और मौन रहकर अपना आत्म कल्याण का साधन करूंगा। फिर तुम कल प्रपंच मत करना कि बाबूजी अब हमारे किसी काम के नहीं है, एक घंटे का समय है, उत्तर दो हमको, और नहीं तो तुम्हारी जो माँ है ना
उसकी मोह ममता बहुत है परिवार में, उसको हम उसके लिए परवाह नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे यहीं और हम अकेले ही चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जहाँ हमारी इच्छा होगी वहाँ हम जाएंगे। और यदि तुम हमारी इस रहनी को पसंद कर सको और हमारे साधन में विक्षेप न करो तो हमें कोई घर और बाहर में भेद नहीं है, फिर हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। निर्णय करके बताओ। एक घंटे का समय, 10 बज रहा है, 11 बजे उत्तर दे देना। सत्य घटना एक जगह की गुरुजी, अब तो सब सहन रहेगा कि दिन भर तो उत्सव मना, इन्होंने तो ऐसा कर दिया। बोले तुम ऐसा समझो कि तुम्हारे संसार के व्यवहार के लिए हम मर चुके हैं, ऐसा समझ लो। तुम संसार के लिए मैं मर चुका हूं ऐसा समझ लो। थोड़ी देर बाद, एक घंटे बाद, पुत्र ने कहा कि मैं आपका एकमात्र पुत्र हूं और अब रिटायर्ड होने के बाद इस अवस्था में आप अकेले जाएं, ये मैं सहन नहीं कर सकता। आपको जैसे इच्छा हो वैसे आप रहें, हम आपको कोई विक्षेप नहीं करेंगे और कभी आपको कुछ पूछेंगे भी नहीं। ठीक, बात पक्की हो गई। गुरुजी दूसरे दिन से वे ऐसे हो गए जैसे किसी को पहचानते ही नहीं है। एकदम जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हो गया। पत्नी पुत्र पौत्र नाते रिश्तेदार भी आते तो ना वो प्रसन्न होते ना वो दुखी होते। जैसे व्यक्ति अपरिचित के साथ उदासीनता पूर्ण व्यवहार करता है, ऐसी शरीर संसार से पूर्ण उपरामता उनको आ गई। ठीक 3 बजे वे स्नान कर लेते थे एक नदी में जाकर के, और साधन में उनका चिंतन का की प्रधानता थी तो बहुत कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, सामान्य संस्कृतज्ञ थे और अंग्रेजी हिंदी पढ़े थे, मास्टर थे, अध्यापक थे। तो गीता प्रेस के ये उपनिषद, दसों उपनिषद, बृहदारण्यक, ईशावास्य आदि और ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता है और रामचरितमानस, इनको अपने स्वाध्याय के लिए उन्होंने स्वीकार किया। इनको वो पढ़ते थे थोड़ी देर और बाकी समय ध्यान करते थे, नाम जप करते थे, मौन रहते थे और जो भोजन मिल जाए। यह भी नहीं कभी बताया कि हमको इसमें कम पड़ता है कि ज़्यादा पड़ता है, इसमें नमक है कि मिर्च ज़्यादा, जो आ गया उसको एक बार उन्होंने ले लिया। इस स्थिति में वे रहे और उसी अवस्था में हमारे महाराज जी की कथा एक गांव में हुई, उस कथा में वे आए और ऐसा ऐसा स्वरूप उनका हो गया था उन महानुभाव का कि हम आपको क्या कहें। उनके निकट बैठने वाले की वृत्ति शांत हो जाती थी, इतना शांत हो गए वो कि उनके पास पहुंचने वाले की वृत्ति शांत हो जाती थी, उथल पुथल बंद हो जाती थी, ऐसा था। बोलते तो थे ही नहीं। महाराज जी की कथा हुई तो कथा सुनते थे। एक दिन महाराज जी से बोले कि हम भी आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। तो महाराज जी बोले सुनाओ, पंडित जी सुनाओ। तो बड़े भाव से उन्होंने, वृद्ध थे, एक भजन गाया। मन की तरंग मार ली बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ली बस हो गया भजन। ये उन्होंने सुनाया था महाराज जी को, एकदम गदगद होकर के सुनाया था। महाराज जी ने कहा पंडित जी देखो, सब लोग कहते थे कि ये तीर्थ यात्रा नहीं जाते, यहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते, पर ये सावधान थे, इसलिए इन्होंने अपनी वृद्धावस्था का कितना उत्तम उपयोग किया और उनकी उनका ध्यान लगने लग गया, उनकी समाधि जैसी लगने लग गई
और ऐसे ही एक गिलास जल किसी से नहीं मांगा, बीमार भी नहीं पड़े और भजन करते करते देह का त्याग किया। बैठे बैठे एक योग युक्त सन्यासी की तरह उन्होंने मूर्धानम अभिनिस्त्रितई का ब्रह्मरंध्र से प्राणोत्सर्ग किया। महाराज जी बोले देखो यह है प्रमाद शून्य व्यक्ति का गृहस्थाश्रम। तो वृद्धा ये बात इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि ये जिन व्यक्ति की ये बात है उनको हमने देखा है अपनी आंखों से, उनकी बात हम बता रहे हैं आप। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।